Alhamdulillah, my wedding day fix. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सबीरास वर्ल्ड एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है तकरीबन 12 बजे के टाइम पे, और पिछली डेकोरेशन एंड हो गई थी। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और ये सना और जो कज़न है मेरी, वो बलून जो हैं वो उनको फुला रही थी, और ये इनको और बलून नहीं मिले, हैप्पी बर्थडे वाले बलून मिल गए, हैप्पी एनिवर्सरी वाले मिल गए, सादे वाले मिल ही नहीं रहे थे। तो सो उन्होंने इसी से काम चला लिया था, और छोटे छोटे से क्लिप बनाए कुछ कज़न ने, कुछ मेरी सिस्टर ने। तो मैंने सोचा सारे क्लिप ऐड करके ना एक ही दफ़ा में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि एक प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया मैंने, जो क्लिप ऐड किए हैं ना बस उसी से काम चला लें। अच्छा, जो आज मैं ड्रेस पहनने वाली हूँ, आज मेरे इन-लॉज वाले आने वाले हैं, और आप लोगों को मैंने थंबनेल से या आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के अबाउट है। ये डेट फिक्सिंग के अबाउट है। आप लोग क्या करते हैं डेट फिक्सिंग के लिए, मतलब आपके जो बड़े आते हैं या आप लोगों की क्या रस्में होती हैं, वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरा ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैंने कभी किसी की डेट फिक्सिंग पर ना गई हूँ, ना मैंने देखा है, ना मैंने सुना है कि ये भी होता है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम था। तो मैंने सोचा ये वाला ड्रेस पहन लिया जाए, स्काई ब्लू कलर का। इसकी डिटेलिंग आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है स्काई ब्लू कलर। और इसमें ऐसे होता है कि एक तो आपके चेहरा पहले ही फ्रेश होता है, क्योंकि ब्राइट टू बीज होती हैं, उसके अलावा आपका चेहरा और फ्रेश दिखता है स्काई ब्लू कलर में, ठीक है। तो मुझे ये ड्रेस थोड़ा ठीक अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसके साथ ज्वेलरी वगैरह मैचिंग कर ली थी सारी। वैसे तो फ्रेश फ्लावर्स की ज्वेलरी होती है, तो वो इन लॉज वाले लेकर आएंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, लेकिन मैंने फिर साथ में सोचा कि ये पहन लेते हैं टेम्परेरी तौर पर। तो मैंने ये निकाल लिया था। दुपट्टा इसका काफ़ी हैवी था, लेकिन हैवीनेस जो थी ना वो बॉर्डर पर थी, एजिस पर थी, मिड में नहीं थी। मिड में ये था कि थोड़ा बहुत छटा है, जिससे आपको दिखा रही हूँ, ऑर्गेन्जा स्टफ में ये सूट बना हुआ है। और आप लोगों को पता है फैंसी सूट जो होते हैं वो या नेट होती है या ऑर्गेन्जा होती है या शिफॉन होती है या प्योर होती है, उन्हीं पे ही अच्छी लगती है। और पहने भी मुझे ज़्यादा ऑर्गेन्जा मैं प्रेफर करती हूँ, और नेट के कपड़ों को प्रेफर करती हूँ। अच्छा, साथ ही साथ मैंने बर्तन वगैरह सारे के सारे निकाल कर रख लिए थे, ताकि जब वो गेस्ट वगैरह आएँ मुश्किल ना हो। फ्रूट्स वगैरह निकाल कर रख लिया था, और ये जी इन्होंने बलून जैसे तैसे करके लगा ही लिए थे। और यहाँ पर चली गई थी लाइट, और लाइट ने इतना ज़्यादा तंग किया था, और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी, लाइट ने बड़ा काम ख़राब किया। फिर जनरेटर का अरेंज किया, यूपीएस ने भी जवाब दे दिया हमें। सो उसी की लाइट के अंदर अंदर मेरी फ्रेंड हैं, वो आई, उन्होंने कहा कि चलो आओ मैं तुम्हें मेहंदी लगाती हूँ। मैंने कहा चलें जी लगा दें। और लास्ट टाइम मुझे जब इन्होंने मेरी बात वगैरह पक्की की थी, तब भी मेरी फ्रेंड ही थी, तब मैं कॉलेज में थी, तो उन्होंने मुझे लगाई थी, वो मुझे मेमोरीज सारी याद आ रही थी। और इस दफ़ा इन्होंने मुझे लगाई, काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाई थी, बट इसमें यह था अर्क वाली केमिकल वाली मेहंदी, इससे मेरे हाथ स्वेल हो गए थे और काफ़ी दर्द भी हो रहे थे। खैर वो चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। यहाँ पर मेरे इन लॉज वाले आ गए थे, और जो कज़न आंटी और सिस्टर जो हैं वो वेलकम कर रही थी उनको, और फ्लावर्स वगैरह जो हैं उनके ऊपर निछावर किए जा रहे थे, और साथ ही साथ उन्होंने क्लिप भी बनाए हैं छोटे छोटे। अच्छा जी, ये है जी डेट फिक्सिंग का केक, जो कि बहुत बहुत यमी केक था। और ये उसके ऊपर वाला ये जो पार्ट है ना, जिसके ऊपर डेट लिखी हुई थी, ये तो मैंने अकेली ने खाया था, बिकॉज ये केक तो केक था ही, जो ये ऊपर वाला पार्ट था ना, ये चॉकलेट के साथ बना हुआ था, तो ये मैंने निकाल कर खाया था पूरा। अच्छा जी, आप लोगों को यहाँ पे डेट भी रिवील हो गया है कि 4 फेब को है मेरी शादी, और अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे हो रही है मिठाई की ओपनिंग, बिकॉज मेरे ख्याल से खाना शाना हो रहा था, और साथ ही साथ ये प्लेट वगैरह रेडी कर रही थी अपनी। और मेहर स्वीट्स, आप लोगों को पता होगा कितनी मज़े की मिठाई है, मुझे तो इतनी ज़्यादा पसंद है, जितनी मर्ज़ी खा लूँ मैं,
मेरा पेट नहीं भरता और ना ही मेरा दिल ख़राब होता है। बाकी आपको पता रसगुल्ला हो जाए या बर्फ़ी वगैरह हो, वो खाने से आपको होता है कि नहीं यार बस अब फुल हो गए हैं, लेकिन मैं हर स्वीट ऐसी मिठाई है ना कि मैं तो पेट भर कर खाती हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बस यहाँ पे खाना शाना चल रहा था और खाना मम्मा ने और आंटी ने बनाया था, बहुत मज़े का खाना बना था। मेरा उनसे कोई लिंक नहीं था, बस मैंने नीचे मसाले वगैरह फ़िश को और चिकन को लगा के रख दिए हुए थे, बाकी इन्होंने बनाया था खाना। अच्छा जी, मेरी मेहंदी की फुल लुक देख लें यहाँ पर। जल्दी जल्दी से मैं हैंड वॉश कर आई थी बिकॉज़ काफ़ी स्वेल हो गए थे मेरे हाथ और जलन हो रही थी मुझे। हाथों पे मैंने जो लिखा हुआ वो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। एंड उसके बाद डेट फिक्सिंग का कार्ड था मेरा, बहुत ही प्यारा कार्ड, बहुत ही प्यारा पीच पिंक कलर का कार्ड और कलर कॉम्बिनेशन, मुझे तो कार्ड की लुक ही बड़ी प्यारी लग रही थी। और ये जी कार्ड है, ये प्रॉपर कार्ड नहीं है, जो वेडिंग कार्ड होते हैं वो नहीं है, ये डेट सेरेमनी का कार्ड है। अच्छा, उसके अलावा ये फ्रेश ज्वेलरी आ गई थी, ये मैंने बाद में क्लिप बनाया था, पहले ये फ्रेश ही थी, ये जब मैंने उतार दी थी तब मैंने ये वाली जो है ना वीडियो बनाई थी। अभी ढोलकी के लिए आना था मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने, तो फिर मुझे दोबारा ये पहननी पड़ी और ये काफ़ी हैवी होती है, कान दुखने लग जाते हैं। और ये जो हार है ना माला, उफ़, मुझे यहाँ पर दुल्हनों का सही से पता चल गया, अंदाज़ा लग गया मुझे कि यार कितना हैवी ये होता है, गले में पहना हुआ ऐसा लगता है जैसे गर्दन नीचे आ जाएगी आपकी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी शेडी और बस यहाँ पर मेरी फ्रेंड्स मुझे बोल कर चली गई थी कि यार तुमने कुछ भी चेंज नहीं करना, हम लोग ऐसे आएंगे और ढोलकी शोलकी बजाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, बाकी जो थी वो रस्म चल रही थी, दुआ वगैरह हो गई हुई थी और फिर यहाँ पर मुँह मीठा करवाया जा रहा था। ये प्रॉप्स वगैरह बनाए थे मेरी कज़न ने और सिस्टर ने मिलकर, तो मज़े के बनाए थे, मुझे ऐसा आइडिया नहीं था लेकिन उन्होंने बनाया, तो थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए भी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे जो है ना इस डे पे काम शाम किए थे सारे के सारे, मुझे रिलैक्सेशन मिली हुई थी, मैं चिल कर रही थी लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा थक जाती थी, जिसकी वजह से व्लॉग जो है वो थोड़ा सा लेट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सो जब भी मिल रहा है ना, आप लोगों ने मुझे बहुत सारी दुआएँ देनी है। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदरुस्ती दे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अच्छा, हमारे यहाँ पे रस्म ये होती है जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी कि पहले दुआ की जाती है और डेट फिक्स की जाती है, डेट तो ऑलरेडी फिक्स होती है बट ये एक रस्म होती है। तो डेट वगैरह फ़िक्स हो गई थी, फिर दुआ की गई थी, दुआ करने के बाद मिठाई वगैरह खिलाई जाती है, केक कटिंग होती है और उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा जो लड़की वाले होते हैं वो अपनी खुशी से लड़के वालों को गिफ्ट्स वगैरह दे देते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है चाहे आप कुछ भी दे दें। और उसके अलावा जो वो मिठाई लेकर आते हैं उनमें से हाफ हिस्सा जो होता है ना मिठाई का, वो हम लोग दूल्हे वालों को रिटर्न करते हैं कि वो घर में जाकर सबका मुँह मीठा करवाएं। ये रस्म होती है, वैसे मुझे इसका पता नहीं था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है, सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। अच्छा जी, गेस्ट वगैरह सारे चले गए थे और सन्ना और मेरी कज़न जो हैं वो मिलकर बेचारी सारा उन्होंने किचन संभाला और किचन की हालत चेक करें, उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि यार ये करना क्या है। मैंने कहा हाँ, ये मैं ही होती थी ना जो मैं सारे काम कर लेती थी, अब तुम लोग भी सीखो। तो फिर बस दोनों ने मिलकर किया, सना ने बाहर की सफाइयाँ वगैरह कर ली थी और जो कज़न है मेरी उसने सारे ये वाले बर्तन धोए थे। बेचारी की तबीयत ठीक नहीं थी बट उसने कहा कि नहीं आप ही आप रेस्ट करें, आप ना धोएं, आपकी मेहंदी जो है वो सारी उतर जाएगी, आपको पता अरक वाली मेहंदी होती है और वो जल्दी रिमूव हो जाती है। तो बस मैं थोड़ा बहुत उनके साथ साथ करवा रही थी, उन्हें थोड़ा बहुत गाइड करी जा रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा प्रॉप आप लोगों को ना अगेन दिखा दूँ, ये इसके ऊपर लिखा हुआ मिस टू मिसिस, डेट फिक्स्ड कबूल है, सेव द डेट, ब्राइड टू बी मुबारक हो, और मेरे फियांसी के नेम यहाँ पर रिवील्ड हो गया है। आप लोगों को मैंने एक दफ़ा पहले भी वीडियो के अंदर बोला था तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोटिस नहीं किया था, काफ़ी लड़कियाँ वगैरह पूछती हैं यार आप नेम भी बताया करें ना उनका, या आप बताया करें आपकी लव हो रही है या अरेंज हो रही है, यार ये फिर कभी सही आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस ये यहाँ पर ढोलकी जो है वो स्टार्ट हो गई थी, सारा काम शाम फिनिश हो गया था, भाई लगा हुआ था यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए ढोलकी। आगे आप ढोलकी को इन्जॉय करें और दुआ में याद रखें।
छोटे छोटे से क्लिप मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, वो इसलिए ताकि आप लोग देख सकें कि हमने कितना हल्ला गुल्ला किया, कितना एंजॉय किया है। सारी वीडियो मैं ऐड नहीं कर सकती थी बिकॉज़ आपको पता है कि ये पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। और बस थोड़ा बहुत जो गनशन था ना वो वाला यहाँ पर था, मैंने खाना नहीं खाया था पहले, हम लोगों ने खाना शाना खाया, फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत गन से मिटा, कुछ पिक्चर्स इन्होंने क्लिक करनी थी मेरे साथ, इन्होंने वो क्लिक की। और सारे का सारा आप देखेंगे साइड पर, ये देखें सारी चीज़ें इसी तरह पड़ी हुई थी। और हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे, इतना ज़्यादा थक गए थे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बर्तन कितने ज़्यादा हो गए थे। ये है जी बर्तनों की हालत, और ये सारे मेरी कज़न धोए हैं। तो ज़ारा इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और बस टाइम 1 बज गया था और तकरीबन हम लोगों को सोते सोते 4 बज गए थे, क्योंकि अभी खाना शाना खाना था हम लोगों ने, फिर कपड़े वगैरह चेंज करने थे, फिर थोड़ी बहुत सफाई करनी थी। तो बस यहाँ पे जो प्रॉप लगे हुए थे मैंने सोचा ये आप लोगों को मैं चेक करवा देती हूँ। इस पे भी यही लिखा हुआ था ब्राइड टू बी, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस टू मिसेज। और जो ऊपर इन्होंने एरो वाला बनाया हुआ था ना, ये मुझे अच्छा लगा है कि ही आज कबूल है, शी सेड यस, और डेट लिखी हुई है साथ में ऊपर मेरा और मेरे फैंसी का नाम लिखा हुआ है। तो बस ये यहीं तक थी आज की वीडियो, होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्टे कनेक्टेड। आगे शादी के व्लॉग्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आई होप सो यू विल एंजॉय। अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह।